सुलभे सर्व कार्य विधायनि कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायम् ब्रूहि यत्नतः देव्यो वाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश्च साधनम् मया तवैव स्नेहेनाभ्यम्बा सुतिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुच्चोपचन्द्रः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनाम विजेतांसि देवी भगवती हिता बलादानिश्च मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा प्रचित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते रोगा न शेषा न वहन्ति दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायां श्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलाननि यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चात्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपाजिताः सर्वमन्त्रामयी सप्ता सत्यानन्दा स्वरूपिणी अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावति पट्टाम्बर परिधाना कलमञ्जीरलञ्जिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैत्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिला बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहन्त्री च चण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा
महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विश्वमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जयदं प्रवरे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिशूर्लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ज्ञात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयद्वया भक्त्या पठे नाम सदाशिवम् कस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासनाम्याति राज्य श्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरगर्भोरमधुत्रयेण विलिख्ययन्त्रं विलिना विलिख्यो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शरभिशाङ्गते विलिख्य प्रवणे स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम् ओ शरणागत धर्म प्रेमी भक्तजनों का जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की प्रातःकालीन आरती देख रहे हैं उन सभी भक्तजनों का भी माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय इस दिव्य गुफा के अंदर परम पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है। आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन माँ भगवती वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडे पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण निहित है। जे हमारा परम सौभाग्य है कि आज माँ भगवती वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से हम सबको माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती की स्तुति करने का पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होते। पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा जो पुण्य कर्म किए गए हैं उन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही जीवन में इस प्रकार के अवसर हमें प्राप्त होते हैं। जब हमारा मन सांसारिक क्रियाकलापों को त्याग कर माँ भगवती के चरणों की ओर प्रेरित होता है उस समय हमारे निर्मल मन में इस प्रकार के सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हमें अपने कल्याण के लिए सत्कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यज्ञ आदि करने चाहिए, माँ भगवती के नाम का सत्संग करना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब माँ भगवती की अपार कृपा हम पर हो, क्योंकि पूर्व जन्मों में किए हुए पाप कर्मों के फल स्वरूप इस संसार में मनुष्य योनि में आकर भी हम इस प्रकार के सत्कर्मों से वंचित हो जाते हैं। कारण कि संसारिक विषय भोगों में लिप्त होकर अनेक प्रकार के ऐसे कर्म करने लगते हैं जिनके कारण बाद में हमें दुख भोगने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। और जब हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं और पुण्य कर्मों का उदय होता है उस समय हमारा मन संसारिक विषय भोगों से हटकर माँ के चरणों में लगने लगता है और तभी माँ भगवती की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। आज हम सब पर माँ भगवती की जे विशेष कृपा हुई है कि आरती के समय माँ के चरणों में बैठकर हम माँ भगवती की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज माँ भगवती की ऐसी कृपा का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। आरती के समय का विशेष महत्व है। आरती के समय समस्त देवतागण माँ भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए सूक्ष्म रूप से
माँ भगवती के चरणों में उपस्थित होकर करबद्ध स्तुति करते हैं और आरती के समय माँ भगवती के आशीर्वाद के साथ साथ उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाता है। आरती के समय जिन स्तोत्रों के द्वारा, जिन मंत्रों के द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जाती है, वे परम कल्याणकारी हैं और उन स्तोत्रों का प्रतिदिन पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है और अनेक प्रकार की आदि व्याधियां हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। तो सभी शरणागत भक्तजनों से निवेदन है कि माँ भगवती वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्रचित से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। अथ देव्यः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगना सोत्तमातरो बीजम् दिगबंध देवता सत्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाग्रत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच। ॐ यद्भूयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्याचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासु कवचं पुण्यं तशृणुष्व महामुने। प्रथमं जैन पुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं सुरकर्मादेति षष्ठं कात्यायणीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्था शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखाभयं नहि। यैश्च भक्त्या श्रुतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसंसाद चामुण्डा वाराही महिषासुरा नैन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासुरा माहेश्वरी विचारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगा समन्विताः। नानाभरणशोभाटा नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधः समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं बलं च मुसलायुधं खेडकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं किशोरं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां चैताय मे। नमस्ते सु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि प्राहि मां देवि दुष्पेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राचारक्षित मामेन्द्रियाग्नयामग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रदीच्यां वारुणि रक्ष वायव्या मृगवाहिनि उदीच्यां पादुकौमारि ऐशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद्वैष्णवी तथा देवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शववाहन जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योदिनि रक्षे धुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरि ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विनि त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनि तभोलौकालिका रक्षे कर्णमूले तु शाङ्करि नासिकायां तु गन्धा च उत्तरोश्चे च दर्शिका
अधरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिका चित्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी जिमुखं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकाम्नलकूभरी स्कन्धयोः खड्गिणी रक्षे बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षे दम्भिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूरेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरी सनौ रक्ष महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिणी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतना कामिका मेढ्रं कुले महिषवाहिनी कट्या भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षे सर्वकाम प्रदायिनी गुल्भ्योर्नारसिंही च पादपृष्ठे तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादाधस्तलवासिनि नखान्द्रष्टाकराली च केशाञ्चैवोर्ध्वकेशिनि रोमकूपेषु गोवेरी तुजं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च वित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणि सदा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां शक्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोभद्रिं रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापानं तथा व्यानं मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वमृजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी भक्तानां सुभद्रा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं तु यस्तारं वर्जितं गमजेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छे शुभमात्मनः कवचेनावृतौ नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमधुरं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्या सङ्ग्रामेश्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्या कवचेनावृता पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः वने प्रयतो नित्यं त्रिलभ्यं श्रद्धान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येश्व पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रं मम मृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचरा चैव जलजा चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षा च राघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानव निर्भवे राज्ञस्तेजो वृद्धे करं परम् यशसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलावनकाननम् तावत् तिष्ठति मैदिन्यां सन्तते पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ अथ अर्गला स्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुभ छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगम् ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च मा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते
जय तम देवी चामुंडे जय भूता विहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते मधु कैटव विद्रावि विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि महिषासुर निर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि रक्तबीजावधे देवि चण्डमुण्डा विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि शुम्भस्य वनशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि नदिताम्रे दुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रो विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि सुभद्रा भक्ति पूर्वन्तां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि चण्डिके सदम्येवा मर्चयन्ति भक्तिदा रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विदेहि दुष्टाम्नाशं विदेहि बलमच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि सुरासुरशिरोरक्ता निकृष्टाचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि प्रचण्ड दैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वतभक्त्या सुदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि हिमाचल सुदानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड जञ्च दर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि देवी भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो देहि पत्नी मनोरवां देहि मनोवृत्तानुसारिणि धारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती सङ्ख्या परमाप्नोति सम्पदा ॐ अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षिः अलष्टमछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बाभीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे क्षयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सौमार्धधारिणे सर्ववेदद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेमम् आप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्धत्वचारणादीनि वस्तूनि सरलान्यपि एतेन सुभदां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तम् जगारसः समाप्तेन पुण्यस दायतावन्नियन्त्रणाम् स्वपि क्षेममाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यजैषा प्रसीदति इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाभिधायेन नित्यम् जपति संस्फुटम् सा सिद्धः सा गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः
न चैव कृतस्तस्य भयं क्वापि हजायते न मृत्यो वशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिर्यङ्किञ्चित् दृश्यते ललनाचने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यमिदं शुभम् शनसु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुवाणि परो मोक्षा स्तूयते सा न किं जनैः ॐ श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् हय गिरिनन्दिनि नन्दितनेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विश्वविलासिनिष्णुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि जयनसुते दुर्वरवर्षिणि दुर्धर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरुते त्रिभुवन शनि शङ्कर कोशनि गिरिशमोचनि कोशरते धन जनि रोशनि दिति सुत रोशनि दुर्मधु शोषनि सिन्धु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि जयरसुते हय जगदम्ब मदम्बक दम्ब बलप्रिय वासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गरि मालय शृङ्गरि जालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गञ्जनि कैटव भञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि जयरसुते हयि चतुर्कण्ठ विकण्डितरुण्ड वितुण्डितुण्ड गजाधिपते त्रिभुगज कण्ठ विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपाजित कण्ड विपाजित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि जयरसुते ऐरण दुर्मधु शत्रुमदोदित दुर्धर निर्धर शक्तिमिते चतुर्विचार दुरेण महाशिवदूतकृत प्रमदाधिपते दुरित दुरेह दुराजय दुर्मति दानव दूतकृतादमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि जयरसुते शरणागत वीर बधूवर वीर पराभय दाई करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि चिरोधि कृतामल चूल करे दुम दुम तामर दुन्द विनाद महो मुखरी कृत दिग्म करे जय जय हे महिषासुर मर्दिन रम्यक मर्दिन जय रसुते हय निज हुंकृत मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र सुते समर विशोषित शोणित वेदनते शिव शिव जुम्भनि जुम्भमहावतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि जयरसुते रणु रणु गङ्गर नञ्जन गङ्ग परिसुर गङ्गण डत्रणके कनक विशङ्ग वृषत्कन जङ्कर सर्वण शिङ्गटके हित चतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग गणत् बहुरङ्ग नटत्पटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि जयरसुते सुरललनाथकृतेकदेशताभिनयोत्तर नित्यरते कृतकुकुता कुकुतो दृढदारिकपालकुतूहल गानरते दुर्गुट दूदुट बिन्दे निर्भणि गौरमृजङ्गणि नादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि जयरसुते जय जय जप्त जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जय जय झिञ्झिव झिङ्कृत नूपुर झिञ्झित मोहित भूतपते जय जन चाचे नट नायक नाट्यत नाट्य सुखानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि जयरसुते रजनी 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 कर वक्रते च
सुनवे भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि शैल पाव मल्लम तल्लिक मल्लिक रल्लक मल्लरते विरचित मल्लिक 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 बिल्लिक बिल्लिक वरगवते जटकत पल्लस मल्लस दारण तल्लज पल्लव सल्लते जय जय हे मरिचासुर मर्दिनि रम्यक वरदिनि जयल सुते हरिदल कंडगलल मलमे दुर्मत्तम दंगज राजपते त्रिभुवन भूषण भूत कलानित रूपक योनित राजसुते हरिसुत तेजन लाल समारस मोहन मर्मक राजसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि जयल सुते कमल कला मल कोमल कांति कला कलिता मल भालल ते सकल विलास कला निलय क्रम के चरण कल हंस कुल अलि कुल संकुल कुवलय मंडल मोर मिलन बकुराल कुल जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि जयल सुते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित कैलन कुंजगते निज गण भूत महाशबरी गण दल गुण दंभित केलितले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि जयल सुते कणितन वीगत गोर विचित्रम योग तिरस्कृत चंद्र रुते गणित सुरासुर मोर मणि सुर दंचुर सन्नक चंद्र रुते हित कन कातल मोर कदोषित निर्भर कुंजर कुंडक ते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि जयल सुते विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते विद सुर तारक शंकर तारक शंकर तारक सुन सुके सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि सुजातर ते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि जयल सुते पल कमलम करुणा निलय भरिवत्सत योनुदिनं सुशिवे हय कमले कमला निलय कमला निलया सकटं न भवेत् तव बलमेव वरं बलमित्तनुशीलय तो मम किं शिवे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि जयल सुते सकल सिंधु जलेरन किंचन दे गुण रंग भुवं भज चिन्न किन्न शचे कुत कुंभ कवी परि अम्ब सुखायन्वं तव चरणं चरणं करवाणि न तावरवाणि निवासि शिवं जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि जयल सुते तव विमलेन्दु कुलं मदनेन्दु मलं सकलं ननुकूलयते किम पुरभूत पुरैन्त मुखे सुमखे विरसो विमुखे प्रियते भवतु मदं शिवना मदने भवते कृपया किम तत्प्रियते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि जयल सुते नै मै दीन दयालु कया कृपैव कया भवितव्य मुवे अयि जगतो जननी कृपया यथा यथा न मिता चिरते अतो क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि प्रियन्ते अरणिशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् भूतां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बे चोचरे यां गतिं समवाप्नोति
नाताम् ब्रह्मादयासुराः सापराधोऽस्मि शरणम् प्रापस्त्वाम् जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहम् यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानात् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकम् कृतम् तत् सर्वम् क्षम्यताम् देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे गृहाणामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्य गोप्रेमम् गृहाणास्मत्कृतम् जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवि तत्प्रसादात् सुरेश्वरि हे मई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय ओल सांची दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों इस प्रकार माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती की स्तुति की पाठ किया। माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों इस समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर माँ भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान ही। माँ भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके माँ भगवती के दर्शनों के लिए माँ के चरणों में उपस्थित होते हैं। माँ भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और माँ सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, इस शक्ति की इच्छा से ही सभी जीव अपने अपने कर्म करने में समर्थ होते हैं। क्योंकि जब तक वे शक्ति का अंश हमारे शरीर में विद्यमान है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करने में सक्षम होता है और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी उसी समय ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्य करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, इसलिए उस शक्ति का
सदैव आदर सम्मान करना चाहिए और उस शक्ति के द्वारा हम इस शरीर से सत्कर्म करें और जब तक वे शक्ति इस शरीर में है इस शरीर के द्वारा सदैव सत्कर्म करने चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए परोपकार करना चाहिए और इस शरीर के द्वारा कभी भी दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा कर्म करने से उस शक्ति का अनादर होता है और अनादर होने से वे रुष्ट होकर हमारे जीवन में कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की व्याधियां, संकट उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए हमें उस शक्ति का आदर सम्मान करते हुए अपने शरीर के द्वारा यदि हम सत्कर्म करते हैं, वाणी के द्वारा हम दूसरों का आदर सम्मान करते हैं, किसी का भी अपमान नहीं करते, किसी को अपशब्द नहीं कहते और हाथों के द्वारा मां भगवती की पूजा करते हैं, मां के भक्तों की सेवा करते हैं इन हाथों से, तो इस प्रकार इस शरीर के द्वारा यदि हम सत्कर्म करते हैं तो उस शक्ति की अपार कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है, जिससे हमारे जीवन में जितने भी हमारे शरीर में रोग हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, वे सब उन्हें दूर कर देती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद जानकर उसका भी सदैव सदुपयोग करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए धन के द्वारा भी, और धन के द्वारा कभी भी कोई बुरा कर्म ना करें और धन के द्वारा सत्कर्म करते हुए यदि हम दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाते हैं, परिवार का पालन पोषण अपने उस धन से करते हैं, समाज के कल्याण के लिए अतिथियों साधु संतों की सेवा में जिस धन का सदुपयोग हम करते हैं, वही धन हमारा कल्याण करता है और बुरे कर्मों में लगाया हुआ धन कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, इसके द्वारा धन के द्वारा हम सत्कर्म करें तभी ये संभव है। और मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ही हम अच्छे बुरे की पहचान करके हमें जीवन में कौन से सत्कर्म करने हैं, कौन से कर्म करने हैं, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है और कैसे समाज में रहना है, कैसे दूसरों का कल्याण करने के लिए अपने को सदैव तत्पर रखना है, इन सब बातों का निर्णय ज्ञान के द्वारा ही संभव है और मां सरस्वती की कृपा के द्वारा उसके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और ज्ञान के द्वारा जब हम भली भांति दूसरों के कल्याण के लिए उन्हें सतुपदेश देंगे, उन्हें सत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलते हुए समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं, तो इन तीनों देवियों की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है और जिससे हमारा कल्याण होता है, हमारा जीवन सुखमय होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, संसार में मनुष्य जोनि इसीलिए प्राप्त होती है कि हम अन्य जोनियों में वे कर्म नहीं कर सकते जो मनुष्य जोनि में आकर हम कर सकते हैं। हम सामूहिक रूप से भी इसी जोनि में आकर हम कर्म कर सकते हैं और स्वयं हम निर्णय ले सकते हैं। हमारे पास शरीर है, हाथ हैं, पैर हैं, हर प्रकार की सुविधा है, हमारे पास धन है दूसरों को दान करने के लिए, शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा करने के लिए जे हाथ पैर हैं और बुद्धि है, और इस प्रकार इनका सदुपयोग करने से ही जे मनुष्य जोनी जो है इससे हम मुक्ति के द्वार पर आगे बढ़ सकते हैं। और सदैव भगवान का चिंतन हम कर सकते हैं जो कि अन्य योनियों में संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य योनि जो है इसे
84 लाख जोनियां भोगने के उपरांत ही ये हमें प्राप्त होती है। और इस जोनी में आकर हम अगर फिर वही दुष्कर्म करें, पशु पक्षियों की तरह आचरण करें, तो फिर हमारा ये जन्म जो है व्यर्थ चला जाएगा। और मां भगवती की कृपा हमें प्राप्त होगी। और मां भगवती की कृपा तभी प्राप्त होती है जब हमें अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, पूर्व समय में एक चंद्रवर्षी राजा हुए और उसके दो पुत्र थे और उनके गुरु एवं रंती देव जो थे वे उनके पुत्र थे। और महाराज रंती देव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा एवं दयालु थे। रंती देव ने अपनी सारी संपत्ति दीन दुखियों में बांट दी। और एक बार देश में अकाल पड़ गया और ऐसी दशा में उन्हें जो कुछ भी मिलता वह दूसरों में बांट देते थे। और इस प्रकार वह स्वयं भूखे रहकर प्रजा की सेवा करते थे। और एक बार महाराज रंती देव और उनके पूरे परिवार को कई दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं मिला और देश में अकाल पड़ गया और अकाल से पीड़ित होकर सारी जनता जो है वह त्राही त्राही करने लगी और बिना जल के लोग मृत्यु को प्राप्त होने लगे। और इस प्रकार देश में घोर अकाल के कारण जल मिलना भी दुर्लभ हो गया। भूखे प्यासे राजा एवं उनका परिवार मरणासन हो गया और 48 दिन तक उन्हें कुछ भी एक दाना भी खाने को नहीं प्राप्त हुआ। और इस प्रकार 49वें दिन में राजा रंती देव को कहीं से कुछ थोड़ा अनाज प्राप्त हुआ और वे अनाज लाकर अपने परिवार में उन्होंने बांटा और वे खाने लगे। जैसे ही उन्होंने वे अन्न खाना शुरू किया, खाने ही लगे थे, उससे पहले ही रंती देव उसी समय एक ब्राह्मण अतिथि जो है वह उनके सामने उपस्थित हो जाता है, आ जाता है और वे उनसे प्रार्थना करता है कि आप मुझे थोड़ा सा भोजन दीजिए, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं और आपके साथ आपके पास कुछ अनाज है, कृपया मेरी क्षुधा दूर कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार जब वह विनती करता है तो राजा, हम जीवन में हमारे पास लाखों रुपए हैं परंतु उसमें से हम हजारों रुपए दान कर सकते हैं, परंतु जब हमारे पास खाने को अन्न ही ना हो, थोड़ा सा अन्न हो और कई दिनों के भूखे हो, उस समय उसमें से दान करना बड़ा ही कठिन हो जाता है कि अपनी जान बचाएं या दूसरों की। और उस समय राजा रंती देव ने यही निर्णय लिया कि उन्होंने वे अन्न जो था वे उसमें से कुछ अन्न उस ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण भोजन करके वहां से चला गया। और राजा ने बचा हुआ अन्न फिर आपस में बांटकर, अपने परिवार में बांटकर उन्होंने सबको दिया। और उसी समय क्या हुआ कि राजा रंती देव ने जब वे खाने लगे तो एक दरिद्र व्यक्ति जो था वे उनके सामने आ गया और वे दौड़ता हुआ आया। राजा को भोजन करते देखकर वे उनके आगे गिर गया और आकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, मैं बहुत ही दरिद्र हूं, बहुत ही भूखा हूं। तो इसलिए राजा ने उसे भी भोजन करवाया और फिर जो कुछ थोड़ा सा बचा
तो फिर आपस में बांटकर जैसे ही खाने लगे तो एक चंडाल व्यक्ति जो था वे कुत्तों के साथ उनके सामने उपस्थित हो गया और उसने जैसे ही वे वहां पहुंचा तो वे उसने राजा से प्रार्थना की तो राजा ने वो बचा हुआ अन्न भी उसे दे दिया और उसे खिला दिया और इस प्रकार अन्न समाप्त हो गया और अब राजा के पास केवल थोड़ा सा जल बचा और जल भी इतना ही था कि एक ही व्यक्ति की प्यास बुझा सकता था। तो तब राजा ने वे जल पीने के लिए जैसे ही हाथ में लिया और उसी समय एक गिरता हुआ आदमी वे राजा के सामने आकर गिर गया और पानी पानी चिल्लाने लगा और वे बेहोश हो गया और उसी समय राजा ने जब उसकी जय दशा देखी तो वे जल भी उसने उसे पिला दिया और जैसे ही उसको पिलाया और उस समय उनके पास राजा उस पर बड़ी दया आई और उनने राजा ने उसे भगवान का रूप जानकर कि इसके किसी प्रकार प्राण बच जाएं तो जल उसे पिला दिया और भगवान से राजा ने प्रार्थना की, भगवान से कहा, श्रीमद् भागवत में कहा है कि ना कामे हम गति मी स्वरात परात अष्ट मृद्धिम युगाम युक्ताम पुनर्भवम बा अति प्रपद्य अजिल देह भाजा मंता स्थितो येन भवंत दुखा। अर्थात हे प्रभु, मैं अनिमादिक अष्ट सिद्धियों या मुक्ति की कामना नहीं करता, मैं आपसे जे प्रार्थना नहीं करता कि मुझे बहुत सा धन प्राप्त हो, बहुत से हीरे ज्वारात प्राप्त हो, बहुत सी संपत्ति मुझे प्राप्त हो और कि सब प्राणियों के अंतःकरण में रहकर मैं उनके दुख को भोगूं। मैं ऐसी आपसे कामना करता हूं कि मैं दुखी व्यक्तियों के अंतःकरण में रहकर मैं उनके दुख में भोगूं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं वे महाराज। और जिस से वे लोग दुख से छूट जाएं और इस मनुष्य के प्राण जो जल के बिना निकल रहे हैं, इसे जल पिलाने से मेरी भूख प्यास थकावट अवश्य ही दूर हो जाएगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और इस प्रकार इतना कहकर वे जल जो है उस व्यक्ति को पिलाया और जैसे ही उन्होंने उसको जल पिलाया तो उसी समय भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान नारायण जो है वे वहां से प्रकट हुए और भगवान नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि जितने भी लोग इस समय संकट के सामने आपके सामने उपस्थित हुए, आपके भोजन करते हुए, वे सब मेरे ही रूप थे और मैं ही विभिन्न रूपों में आपकी परीक्षा ले रहा था, आप उस परीक्षा में सफल हुए और इसलिए आपके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा और सदा आप अनंत काल तक राज्य का सुख भोगेंगे और अंत में आपकी मुक्ति अवश्य होगी और मेरे परम धाम को पधारेंगे। तो इस प्रकार भगवान नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो कहने का भाव यही है कि हमारे ऊपर कितने भी संकट आए, जब हम दूसरों की चिंता करते हैं तो हमारी चिंता करने वाला वे परम पिता परमात्मा जो है वह सदैव हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करता है और हमें कभी भी आंच नहीं आने देता, इसलिए सदैव उसका चिंतन करना चाहिए। तो आज सौभाग्यवश हमें माँ भगवती के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है और इस समय माँ भगवती के चरणों में बैठकर हम यही चिंता यही चिंतन करें कि हे माँ भगवती, हमें भी ऐसी बुद्धि दो, ऐसी शक्ति दो ताकि हम भी अपने जीवन में इस प्रकार के
परोपकार करके अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सके। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती के चरणों में बैठकर अगर हम माँ भगवती के नाम का जाप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। और इस समय आरती के समय किया गया माँ भगवती के नाम का कीर्तन, माँ भगवती के नाम का जाप, उससे हमारे पूर्व जन्मों के कई पाप कर्म जो है वह नष्ट हो जाते हैं और माँ भगवती की अपार कृपा हमें प्राप्त होती है। तो सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के जयकारे के साथ माँ भगवती के उस परम पवित्र नाम का जाप करेंगे। जयकारा शेरावाली भैया बोल सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र माता मुंडा का इसमें माजत समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इस कपड़े से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुबह से हर एक चिंता हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुमिरे से मन से सच्चे। हर एक चिंता हर एक बाधा जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुमिरे से मन से सच्चे। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय माँ भगवती के चरणों में भजनों की वेला है। भजनों के द्वारा माँ भगवती की स्तुति करेंगे, सभी भजनों में साथ देंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंदर जी से, वे अपना एक भजन माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। श्री मनिंदर जी,
जयकारा श्री हरिदा बोल सच्चे दरबार की जय। सज धज कर बैठी मां और मंद मंद मुस्काए, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, कहीं माँ को नजर ना लग जाए, कहीं माँ को नजर ना लग जाए, ओ कहीं माँ को नजर ना लग जाए, कहीं माँ को नजर ना लग जाए, ओ सज धज कर, सज धज कर, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, जहो जहो सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, ओ कहीं माँ को, कहीं माँ को, कहीं माँ को नजर ना लग जाए, कहीं माँ को नजर ना लग जाए, हाँ कहीं माँ को नजर ना लग जाए, कहीं माँ को नजर ना लग जाए, ओ सज धज कर, सज धज कर, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, हाँ सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, जहो टिक्की ले आओ, कोई काजल टिक्की ले आओ, कोई काजल टिक्की ले आओ, कोई काजल टिक्की ले आओ, ओ मैया को टीका लगा जाओ, मैया को टीका लगा जाओ, ओ मैया को टीका लगा जाओ, मैया को टीका लगा जाओ, ओ मेरी भोली भाली मैया को, भोली भाली मैया को, मेरी भोली भाली मैया को, भोली भाली मैया को, भक्तों की, भक्तों की, भक्तों की नजर ना लग जाए, भक्तों की नजर ना लग जाए, ओ भक्तों की नजर ना लग जाए, भक्तों की नजर ना लग जाए, ओ सज धज कर, ओ सज धज कर, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज 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 धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, जब मैया चलती पग रख कर, मैया चलती पग रख कर, जब मैया चलती पग रख कर, जब मैया चलती पग रख कर, ओ पाओ के घुंघरू बोल रहे, पाओ के घुंघरू बोल रहे, ओ पाओ बोल रहे, आओ के घुंघरू बोल रहे, इस प्यारी प्यारी पायल को, इस प्यारी प्यारी पायल को, इस प्यारी प्यारी पायल को, प्यारी प्यारी पायल को, कंजकों की, कंजकों की, कंजकों की नजर ना लग जाए, कंजकों की नजर ना लग जाए, कंजकों की नजर ना लग जाए, सज धज कर, सज धज कर, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ और
सज 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 धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। ओ मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, ओ मेरी माँ का मुखड़ा भोला है, मेरी माँ का मुखड़ा भोला है। ओ चुनरी चंदा लिपटा है, चुनरी में चंदा लिपटा है, चुनरी में चंदा लिपटा है, चुनरी में चंदा लिपटा है। इस सुंदर प्यारे मुखड़े को, इस सुंदर प्यारे मुखड़े को, इस सुंदर प्यारे मुखड़े को, इस सुंदर प्यारे मुखड़े को चंदा की, चंदा की, चंदा की नजर ना लग जाए, चंदा की नजर ना लग जाए, चंदा की नजर ना लग जाए, चंदा की नजर ना हो। सज धज कर, सज धज कर, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। हो मेरी माँ की लीला न्यारी है, मेरी माँ की लीला न्यारी है, हो मेरी माँ की लीला न्यारी है, मेरी माँ की लीला न्यारी है, हो तेरी सुंदर शेर सवारी है, तेरी सुंदर शेर सवारी है, हो तेरी सुंदर शेर सवारी है, तेरी सुंदर शेर सवारी है। इस जग की पालनहारी को, जग की पालनहारी को, इस जग की पालनहारी को, जग की पालनहारी को कहीं खुद की, कहीं खुद की, कहीं खुद की नजर ना लग जाए, कहीं खुद की नजर ना लग जाए, और कहीं खुद की नजर ना लग जाए, कहीं खुद की नजर ना लग जाए। रहो सज धज कर, सज धज कर, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज कर बैठी 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 और मंद मंद मुस्काए, सज 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 धज कर बैठी और मंद मंद मुस्काए, 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 सज धज कर बैठी और मंद मंद मुस्काए। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। अब एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जशपाल जी। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। जब से यह गुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं,
सदा को कष्ट उठाए हो जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए है लाखों कष्ट उठाए है क्या जानू इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं कितने पाप कमाए हाँ क्या जानू इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं कितने पाप कमाए हैं जन्म जन्म आपसे क्या बतलाऊ मैं भवानी हो शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊ मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊ मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊ मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊ मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊ मैं बल पाते हैं तुझ से सब बल पाते हैं तू आए अम्बे वरों की दाती तुझ से सब बल पाते हैं तुझ से सब बल पाते हैं मुनि और योगी नारी तेरे ही गुण गाते हैं तेरे ही गुण गाते हैं ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं माँ तेरे ही गुण गाते हैं अब चिंता दे दूं ज्ञान का घोष में आऊं मैं भवानी चिंता दे दो ज्ञान का घोष में आऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं प्रीति न करने देते हैं कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोग मुझे ये लेते हैं रोग मुझे ये लेते हाँ कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोग मुझे ये लेते हैं माँ रोग मुझे ये लेते हैं जैसे अम्बे आपके दर्शन पाऊं मैं भवानी कैसे अम्बे आपके दर्शन पाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं बाकी उम्र संभालू मैं बाकी उम्र संभालू हाँ जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालू मैं बाकी उम्र संभालू मैं प्रेम पाश में बंधा भवानी भेंट प्रेम की गालू मैं भेंट प्रेम की गालू मैं माँ प्रेम पाश में बंधा भवानी भेंट प्रेम की गालू मैं भेंट प्रेम की गालू मैं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं भवानी सुनता मेरी कौन है किसे संभालूं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं जय कारा श्री राम वाली दर दरबार की जय अब एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री देशराज जी जय कर मेरी वैष्णो मैयदा बोल सच्चे दरबार की जय हो जड़ी कटर च रहंदी है मैं लाल हूं उस मैयदा हो जड़ी कटर च जड़ी कटर च जड़ी कटर च रहंदी है मैं लाल हूं उस मैयदा जड़ी कटर च रहंदी है मैं लाल हूं उस मैयदा जड़ी कटर
ਕਟਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਟਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਬਛੜਾ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਬਛੜਾ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਓ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਬਛੜਾ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹਵਾ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹਵਾ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹਵਾ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹਵਾ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਾਗ ਜਗਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਾਗ ਜਗਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਾਗ ਜਗਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਾਗ ਜਗਾਇਆ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਜਦ ਵੀ ਆਇਆ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਜਦ ਵੀ ਆਇਆ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੈਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੈਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੈਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੈਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਟਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਟਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਮੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਮੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕਟਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਟਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲਿੱਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗਠੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗਠੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ਸੁੱਖ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ਸੁੱਖ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਚਿੰਤਾ ਮਟਾਉਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਮਟਾਉਂਦੀ ਏ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਟਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਟਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਗੁਫਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਮੈਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸੇ ਮਾਈ ਦਾ 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 ਜੈ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ॐ गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सिंहस्थाशशिशेखरामरक प्रख्यैश्चतुर्विर्भुजै शङ्खं
चक्रदनु शरांश दधती नेत्रे श्रीमी शोभिता आम तांगदहार कंकण रण कांची रण नूपुरा दुर्गा दुर्गति हारणी भवतु नो रत्नोलसत कुंडला सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय। बोल सांचे दरबार की जय। धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज का पंचांग है शुभ विक्रमी संवत 2081 के वैशाख मास की आज 15 प्रविष्टे है। सूर्य उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि जो है 8:19 तक रहेगी, उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। आज गणेश चतुर्थी का व्रत भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र परिक योग विष्टिकर्ण तदनुसार 27 अप्रैल 2024 शनिवार के दिन प्रातः काल आरती के समय माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से हम सब ने माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती की स्तुति की पाठ किया, सत्संग किया। माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे द्वारा किया गया जे आज का सत्संग, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। माँ भगवती की ओर से आप सभी भक्तजनों को एवं जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से माँ भगवती की आरती देख रहे हैं उन सभी भक्तजनों को भी भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संततिवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करुणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरि दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पाद पूजन रता सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव। माँ भगवती आप शरणागत भक्तजनों की दीर्घायु करें। आप संतानवान हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, यशस्वी हो, ज्ञानवान हो, अनेक प्रकार की दान पुण्य करने में आपकी सामर्थ्य बनी रहे। आप तेजस्वी बने, आपके शत्रुओं का नाश हो, व्यापार तथा कारोबार में आप दिन प्रतिदिन उन्नति को अग्रसर हो और माँ भगवती सदैव इसी प्रकार आप सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। माँ भगवती आपके अंग संग्रह कर आपके तथा आपके परिवार की रक्षा करें। आपका तथा आपके परिवार का कल्याण हो, मंगल हो। बोल सांचे दरबार की जय। तो माँ भगवती के चरणों में आरती की बेला है। सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माता जी की आरती गाएंगे। सब मिलकर के बोलेंगे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय दिन जावत मैया जी को दिन जावत हरे ब्रह्मा जी हरि ओम जय
सन कल समान कलीव रतांबर राजीव रतांबर राजीव रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कर्ण पर जाए बिदारी महिषा दुर्गाती भैया महिषा दुर्गाती सोम्र विलोचन ने सोम्र विलोचन ने सजन बजमाते ओम जय चंड मुंड संगारी जोनी तबीज हरे भैया जोने तेरे हरे मधु के तब दो मारे मधु के तब दो मारे सुर माया ही न कहे हो जय अम्बे गोरी ब्रह्मा नीरु दानी तुम कमला रानी भैया करत भैरो हो भैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा वरु बाजत डमरु ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की मां तुम ही उवरता भैया विराज अगर कपूर बाती अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नित गावे प्रेम सहित गावे जत जीवानंद स्वामी
को निश्व दिन जावत भैया जी को निश्व दिन जावत हरि हरि धम्मा शिव हरि ओम जय अम्बे गौरी। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय बोल सांचे दरबार की जय। इस समय परम पूज्य पुजारी जी मां भगवती की पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस दिव्य गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। तब तक मां भगवती के नाम का संकीर्तन करेंगे, सब मिलकर के बोलेंगे, ए प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, बाड़ा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, दुनिया वाली जय माता दी, चोलिया वाली जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, मामा काली जय माता दी, खप्पर वाली जय माता दी, शक्ति दिंदी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गरुड़ सवारी बड़े खजाने सोला याने सरस्वती माँ हंस सवारी विद्या दिंदी ज्ञान दिंदी भक्ति दिंदी मुक्ति दिंदी शक्ति दिंदी टोलियां पर दी जय माता दी। सारे बोलो प्रेम से बोलो रल मिल बोलो जोर से बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोल सांचे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माता जी से प्रार्थना करेंगे, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, जशो देहि दिशो जहि, जशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। तो सभी भक्तजन शांतिपूर्वक बैठे बैठे मां भगवती की आरती का आनंद लेंगे। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती आरंभ करते हैं। जय माता की। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण मैयाठ पर चौसठ घड़ी दियो चरणा दा ध्यान। जय thank you.
खड़गम चक्रेशु जापवरिगं चोरम्ब शुण्डिंशिरा शङ्गं सन्दधलिङ्गरे श्रीनयनम् सर्वाङ्गभूषावृतम् नीलाश्वमद्विमासपाददर्शकम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तो स्वपिते हरोकमल्यो हन्तुम् मदुङ्गेटवम् अक्षहस्रकपरशुम् गलेषु पर्वम् धनुष्कुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमसिञ्च धर्मजलयम् घण्टासुराभाजनम् शूलम् पाशसुदर्शने हस्ते प्रसन्नानन सेवे श्रीरिवर्धिनी लक्ष्मी सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रम् धनुसायकम् हस्ताभेदलिङ्गनान्तविलसत् शीताशुतुल्यप्रभा गौरी देह समुद्भवाम् त्रिजगता आधारभूतामः पूर्वा मन्त्र सरस्वती मनुपते शुम्भादिदित्यार्दने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देवदेव शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वालानम् गगनरसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम् श्रीलक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योग्यविद्यानगम्यम् वन्दे विष्णो भवनयनम् सर्वलोकैक्यनाथम् अच्युतम् केशवम् रामनारायणम् गोधरम् वासुदेवम् हरिम् श्रीधरम् माधवम् गोपिकावल्लभम् श्रीरामचन्द्रम् भजे हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल गोकुल किशोरे ज्ञानम् प्रदेहि शरणम् प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवान् नमोस्तुते हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंच फुला रानी माता तेरी सदा सर्वतदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार च शांति देने वाली माता तेरी सदा योगड़ा भी रढ़ा गुरु तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का विनाश अधर्म का विनाश अधर्म का विनाश प्राणियों में सद्भावना प्राणियों में सद्भावना प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण विश्व का कल्याण विश्व का कल्याण भारतवर्ष 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 बोलो हर हर महादेव बोलो बाबा श्री दत्त की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मंत्र ही जो प्यारे भक्ति ही करते हैं यह और आप सभी भक्तजनों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय माता दी। ॐ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः
सर्वशक्ति सुमति देवी